नमस्कार, न्यूज वॉल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। ग्रेटिंग शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक बता दें कि तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान को कोर्ट ने गुरुवार तक के लिए राहत मिली है। वहीं आज गिरफ्तारी नहीं होगी, इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का रुख नरम पड़ता हुआ नजर दे आ रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि सभी राजनीतिक ताकतों को देश में चल रहे राजनीतिक और आर्थिक संकट से छुटकारा दिलाने के लिए बातचीत के लिए बैठना होगा। पाकिस्तान चुनाव आयोग फैसले के अनुसार सरकार अपने निर्धारित समय पर आम चुनाव कराएगी। वहीं पीएम शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के कर्ज न चुकाने का खतरा अब खत्म हो गया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ही स्टाफ स्तर के समझौते को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश को आगे ले जाने के लिए सभी राजनीतिक ताकतों को एक साथ बैठना होगा। बीते दिनों पाकिस्तान की एक कोर्ट ने इमरान खान को अस्थायी राहत प्रदान करने के लिए उनके आवास के बाहर पुलिस को बता दें कि गुरुवार तक की कार्रवाई रोकने के आदेश दिए थे। इमरान खान की पीटीआई पार्टी ने मंगलवार को लाहौर बता दें कि हाई कोर्ट में पुलिस कार्रवाई को चुनौती दी थी और कोर्ट से सरकार को इसे समाप्त करने का निर्देश देते हुए अनुरोध किया था कि पीटीआई नेता फवाद चौधरी की ओर से दायर याचिका पर लाहौर हाई कोर्ट की ओर से पंजाब के बता दें कि महानिरीक्षक, मुख्य सचिव और साथ ही इस्लामाबाद पुलिस प्रमुख को तलब किए जाने के बाद से बुधवार को पुलिस ने यह अभियान रोक दिया था। हरदोई के बलग्राम में सांढी रोड पर स्थित एक बता दें कि कोल्ड स्टोर में निरीक्षण करने पहुंचे यूपी के उद्यान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बता दें कि दिनेश प्रताप सिंह ने आलू किसान ने जमकर शिकायत की है, और जिसके बाद से मंत्री जी ने अधिकारी की क्लास लगाते हुए नजर आए। मंत्री ने डीएचओ लखीमपुर में खूब खड़ी खोटी सुनाई और साथ ही अनुपस्थिति कर्मचारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। दरअसल मंत्री जब कोल्ड स्टोर पहुंचे थे तो वहां पर तैनात किया गया उद्यान विभाग का कर्मचारी नदारद था। फिर मौके पर मौजूद आलू किसान ने मंत्री को अपनी समस्याओं बताई, जिस पर उनका पारा चढ़ गया और इस दौरान उन्होंने डीएचओ लखीमपुर को कहा है कि वे में इस कोल्ड स्टोर पर मौजूद है, तुम्हारा कर्मचारी गायब है, 15 मिनट में उस कर्मचारी को सस्पेंड करो, नहीं तो 16 मिनट में मैं तुम्हें सस्पेंड भेजता हूं। मंत्री के मौके पर पहुंचे बता दें कि डीएचओ हरदोई को भी सस्पेंड करने की आदेश दिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों सपा नेता अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि अब की बार आलू गिराया सरकार है। इसके बाद से ही आलू किसानों की बदहाली को लेकर राजनीति गर्मा गई और सरकार ने भी आनन फानन में अपने मंत्रियों और विभाग के अफसरों को मैदान में उतार दिया कि वे आलू किसानों की परेशानियों का निपटारा करें। इसी क्रम में अपनी एक टांग टूटने होने के बावजूद भी उद्यान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह जिले में समीक्षा करने पहुंचे थे। राज्य मंत्री विष्णव कृषि उद्यान विभाग दिनेश प्रताप सिंह सबके सामने एडीएम अनिल प्रजापति को कानून का पाठ पढ़ाते हुए भी नजर आए। यहां पर बता दें कि उन्होंने कहा है कि ये योगी राज है, आपको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया है कि आप किसी का अपमान करें। अगर कोई भी किसी तरह की अपराध करता है तो आप कानून के दायरे में रहकर काम करिए। वहीं मंत्री ने एडीएम को जमकर फटकार भी लगाई। बता दें कि किसानों की आलू की समस्या को लेकर राज्य मंत्री यहां पर पहुंचे हुए थे और इस दौरान वे निरीक्षण कर रहे थे और इस दौरान किसानों ने अपनी समस्या उनके सामने रखी थी। अगर 95% आपके कथनानुसार कोल्ड स्टोर में आलू पहुंच जाना मान लिया जाए तो फिर असुविधा क्या है? उत्पादन का 95% कोल्ड स्टोर में आलू पहुंच गया, आलू किसान सिक्योर हो गया, उसका कोल्ड स्टोर में पहुंच गया, जब मार्केट में अच्छे दाम आएंगे तो आलू किसान निकाल करके उसको बेच करके पैसा लेगा, तो इसमें असुविधा जो 5% की ठहरी, आपकी बात में आप समझ गया, जो 5% आपका आलू बचा है, हम 8 लाख मैट्रिक टन पर मंथ खर्च करते हैं खाने पर। कासगंज में पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित द्वारा थाना बता दें कि गंज डुरवाड़ा का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सलामी दी गई और साथ ही पुलिस द्वारा अधीक्षक के द्वारा कार्यालय में सभी दस्तावेजों को बारीकी से चेक किया गया है और जो भी खामियां देखने को मिली है उनको खत्म करने के निर्देशित किया गया है और साथ ही दस्तावेजों को अपडेट करने के लिए भी बात कही गई है। साथ ही रखरखाव को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि कासगंज के पद के थाना बता दें कि
गंज डुडवाड़ा में वार्षिक निरीक्षण के दौरान वहां पर एसपी पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने निरीक्षण किया है। देखिए आज दिनांक 15 मार्च को जनपद कासगंज के थाना गंज डुडवाड़ा का मेरे द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी पटियाली एवं थाना प्रभारी गंज डुडवाड़ा मौजूद रहे। यहाँ पे सर्वप्रथम थाने की साफ सफाई, रख रखाव, हमारे जितने भी शस्त्र हैं, शस्त्रागार हैं, इनकी रख रखाव तथा जितने भी थानों पर अभिलेख बने हुए हैं इन सबके इंद्राज देखे गए हैं कि ठीक ठाक हैं कि नहीं, एवं जो भी हमारा पुलिस बल है वो जो शस्त्र हैं उनके रख रखाव के लिए और उनको आकस्मिक रूप से यदि इस्तेमाल करना पड़े उसके लिए तैयार है कि नहीं, सभी बातों पर आज निरीक्षण में ध्यान दिया गया है। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की नीति पलीता लगते हुए एक वीडियो जमकर वायरल हो रही है। दरअसल बता दें कि आगरा के अंजू नाम के ANM के द्वारा प्रसव के नाम पर वसूली की जा रही है और साथ ही वायरल वीडियो में बता दें कि ANM के द्वारा बाबू और साथ ही डॉक्टर को भी पैसे देने की बात कही जा रही है। मरीज के परिजनों द्वारा पैसे न देने पर बाहर से दवाई लिखने की बात भी कही गई है। वही मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेरागढ़ का है, जहां अब देखना होगा कि इस को लेकर प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। मैं अभी मेरे संज्ञान में आया आज, मैं इसको अभी प्रथम दृष्टा जो बात है ये पुराना वीडियो है, तो अभी इन चार से इसकी पूछताछ की जा रही है और इसके लिए कमेटी बनाकर इसकी पूरी जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बॉस का नाम लिया, कौन से बॉस हैं ऐसा कुछ ये जाँच में पता चला। वही झांसी के मऊरानीपुर में बता दें कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले 25 वर्षीय युवक के द्वारा अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ली गई है। वही साथ ही रहने वाले लोगों ने द्वारा आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक शैलेंद्र यादव बेटे पूरम यादव निवासी जलमालपुर थाना हाथरस, जो कि वर्तमान में मऊरानीपुर कोतवाली अंतर्गत आने वाले पुलिस चौकी क्षेत्र रानीपुर के मोहल्ला अस्थायीपुरा में रहता था, किराए के मकान में रहते हुए उसने मल्टी लेवल कंपनी में काम कर रहा था। आपको बता दें कि आज सुबह ही शैलेंद्र ने अपने कमरे के अंदर घर का दरवाजा बंद कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। एक व्यक्ति है, लगभग 25 साल होगी उम्र उसकी, शैलेंद्र नाम है, उसके परिजन उसको लेकर आए हैं, तो परिजन है जो भी साथ में आए जो लेकर, तो उसको मैंने देखा तो उसको वो मृत अवस्था में लेकर आए थे, तो उसको डिक्लेयर कर दिया। अब जो है थाने सूचना दे दी है, आगे कार्रवाई और की जाएगी। वहीं हरदोई के संडीला कोतवाली इलाके में एक निजी हॉस्पिटल के बाहर एक युवक हॉस्पिटल के कंपाउंडर की बाइक चोरी करके ले गया है और साथ ही बाइक चोरी के घटना का सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। एएसपी ने बताया है कि पुलिस बाइक चोर की तलाश में जुटा हुआ है। बाइक चोरी की यह घटना संडीला कस्बे के ओम हॉस्पिटल के ठीक सामने हुई है। इस हॉस्पिटल में बता दें कि फुरकान निवासी कुडरा खेड़ा कासिमपुर हॉस्पिटल में कंपाउंडर का काम करता है। रोज की तरह उसने अपनी बाइक हॉस्पिटल के बाहर खड़ी की थी। ड्यूटी समाप्त करने के बाद वह हॉस्पिटल से बाहर निकला तो वहां पर बाइक लापता थी। इसके बाद काफी देर तक इधर उधर खोजबीन की गई लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया, जिसके बाद सीसीटीवी खंगाला गया तो पता चला कि एक युवक उसके बाइक पर बैठा हुआ था। वह काफी देर तक बैठा रहा और इस दौरान ही उसने बाइक चोरी की घटना को अंजाम दी। सर, एक बाइक चोरी का मामला सीसीटीवी में आया, कहाँ का मामला और क्या कार्रवाई की जा रही है? ये थाना संडीला अंतर्गत का मामला है, जिसमें एक हॉस्पिटल के बाहर से एक अज्ञात चोर मोटरसाइकिल चुरा रहा है। उक्त संदर्भ में थाना स्तर पर विधिक कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रहने वाले सिपाही ने बदायूं जिले में आलमपुर में बता दें कि फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सिपाही आलमपुर थाने में तैनात था। पूरी घटना बदायूं के आलमपुर थाने की है, जहां पर आलमपुर थाने में तैनात सिपाही ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरी घटना बता दें कि मामले में पुलिस जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। हमारे आरक्षी थे गौरव चौधरी, उनका शव मिला है इनके कमरे में, जो फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया। उनकी मृत्यु हो गई थी, थाने पर सूचना आई। इस मामले में पोस्टमार्टम कराया जाएगा और मृत्यु का क्या कारण है। प्रथम दृष्टया ये सुसाइड लगता है और ये भी पता चला है कि ये
विगत दिनों से अवसादग्रस्त थे। बाकी सारी चीजें हम जांच में पता करेंगे। श्रावस्ती में एसपी प्राची सिंह ने अपराधियों के धरपकड़ के लिए अभियान चलाया है और ऑपरेशन धरपकड़ के तहत पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। साथ ही अलग अलग थाना क्षेत्रों में 17 वॉलंटियर को गिरफ्तार किया गया है और जेल भेज दिया गया है। वहीं झांसी में योगी सरकार द्वारा झांसी नगर निगम के सभी वार्डों पर स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जगह जगह नुक्कड़ नाटक कर महानगर की जनता को जागरूक किया गया है, जिसमें जनता को यह बताया गया है कि किस तरह से स्वच्छता अपनाएं और साथ ही निरोग रहे और अपने शहर को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने में सहयोग करें। इस नाटक की बता दें कि शुरुआत सागर गेट क्षेत्र से हुई है, जहाँ पर आशीष रायकवाड़ आदि स्थानीय लोग मौजूद रहे। देखिए, मैं नगर निगम झांसी के सौजन्य से एक अभियान के तहत ये कार्यक्रम कर रहा हूँ, स्वच्छता स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के तहत ये कार्यक्रम। आज हमारा बस स्टैंड पर ये कार्यक्रम था। हम जो है हम टीम के साथ आए हुए हैं झांसी और यहाँ इसमें हम लोगों को थोड़ा स्वच्छता के बारे में जागरूक कर रहे हैं कि जैसे अपने घर का कूड़ा करकट वगैरह है, गीला कूड़ा है या सूखा कूड़ा है, उसको उचित स्थान पर उसका निस्तारण करें। जैसे कि नीला डिब्बा, हरा डिब्बा, तो अपना गीला कचरा जैसे सब्जी के छिलके हैं, कोई सड़ी हुई सब्जी वगैरह, लोग एक साथ गबड़ के पन्नी में भर करके डाल देते हैं। वही सहारनपुर में आज विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर इकाई के बैनर तले विद्युत कर्मचारी अभियंताओं और अवर अभियंता और साथ ही संविदा कर्मचारियों द्वारा बहिष्कार करते हुए घंटाघर विद्युत प्रांगण में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। साथ ही कहा गया है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो प्रबंधक द्वारा कोई भी सकारात्मक पहल नहीं किए जाने के कारण आंदोलन कार्यक्रम को आगे जारी रखने को निर्णय लिया गया है। प्रदर्शन हमारा आज से है, प्रदर्शन का कार्य बहिष्कार है। हमारी मांगे कुछ नहीं है, हमारी मांगे ये है कि जो हमारे पिछले 3 दिसंबर को समझौते हुए हैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के मुख्य सलाहकार अवस्थी जी के साथ, उसी को लागू कराना है, बस ये उनसे मांग है। आगरा में कई विभागों की टीम ने 12 हॉस्पिटलों पर छापा मारा है और एक हॉस्पिटल को सील कर और एक ऑटो भी बता दें कि एक ओटी को भी बंद करवाया है। साथ ही नए मरीज की भर्ती पर भी रोक लगा दी है। वहीं सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया है कि केयर लाइफ हॉस्पिटल में कोई मरीज, कोई डॉक्टर या कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं दिखा है। क्योंकि महानिदेशक महोदय द्वारा निर्देश प्राप्त हुए थे और दिसंबर के बाद जो जियो बिल्डिंग बायलॉज को लेकर, अग्निशमन को लेकर, बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर, इनको देखा गया है कि इनका काफी चिकित्सालय अनुपालन नहीं कर रहे थे। इसको देखते हुए एक संयुक्त टीम जिसमें अग्निशमन विभाग और पर्यावरण विभाग, साथ में हम लोग स्वास्थ्य विभाग की टीम एक संयुक्त रूप से चिकित्सालयों को निरीक्षण कर रही है और ये जो भी उनके अंदर कमियां हैं उसको लेकर उनको नोटिसें जारी दी जा रही हैं और एक निश्चित समय अवधि के अंदर यदि वो उनमें गुणात्मक सुधार नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मऊरानीपुर कोतवाली अंतर्गत एक आने वाले गांव में निवासी महिला ने मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस को दी प्रार्थना पत्र में बताया है कि ससुराल जन ने उनके पीछे काफी समय से उनको परेशान करते आ रहे हैं। महिला ने बताया है कि कुछ महीने पहले ही उनके बेटे की मौत हो गई थी, तब से ससुराल वाले उसे और भी ज्यादा परेशान करने लगे हैं। साथ ही महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि पति और ससुराल के लोग देवर के साथ अनैतिक संबंध बनाने पर दबाव डालते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर उनके साथ मारपीट की जा रही है। महिला ने यह भी बताया है कि उसका पति शराब पीता है और साथ ही ससुराल जनों की बात में आकर उसने पति ने भी महिला से अनैतिक कार्य करने को कहा है। वहीं महिला ने कोतवाली पुलिस से उक्त मामले की जाँच कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। समस्या ये सर कि मेरा 17-19 साल बेटा था मेरा, खत्म हो गए, घर वालों ने मिलके मार दिया उसी चक्कर करवा के। मेरा देवर कहता है मुझसे गलत संबंध बना नहीं तो घर में नहीं रहने देंगे। मेरा घर वाला कह रहा
मेरा भाई सही कह रहा है, तू गलत संबंध बनाएगी उससे तो मुझे पैसा मिलेगा दारू पीने के लिए, और नहीं करती हो तो मुझे मारपीट करते हैं सब मिलजुल के, और मुझे और मेरी बेटी को घर से निकालना चाहते, कुछ नहीं देना चाहते हैं, कहते तू यहाँ नहीं रहेगी, जब तेरा बेटा नहीं रहा तो तू भी नहीं रहेगी। झांसी के तहसील गरोठा के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक बमूर के ग्राम पंचायत लभेरा में ग्रामीण द्वारा आरोप लगाते हुए बताया गया है कि ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया है और जिसमें छोटे छोटे बच्चे को शिक्षा और पोषण आहार का वितरण किया जाए, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र में कई दिनों से नहीं खुला है। आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है और कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं आती है। हमारा माल नहीं मिला 2 महीने, 80 महिला बच्चों वाला। कितने महीने हो गए? करीब 2 महीने हो गए। उसके पहले मिलता था? हाँ, उसके पहले मिलता। आंगनबाड़ी केंद्र खुलता है आपका? आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुलता। कब से नहीं खुला आंगनबाड़ी केंद्र? अभी कम 2 साल। लड़का बैठा था उनको कभी? हाँ, लड़का बैठता है उनका कभी कभार। फर्जी वेतन निकालते? कौन निकालता है फर्जी वेतन? दंड। और यहाँ पे कार्यरत कौन है, कौन कार्य करवाता है? सुमन देवी। आप लोग क्या चाहते हैं? नई नियुक्ति हो या फिर वो बाबू निस्तारण हो जी? ऑफिस कब से नहीं खुला है? बच्चे कब से नहीं आए यहाँ पे आंगनबाड़ी में? इधर तो बच्चे जब कहूँ है कहूँ खुल जाता है। दिवाली समस्या का है, हम इतना खबर तो होती है कहूँ खुला थे नहीं। ये आंगनबाड़ी केंद्र है? हाँ। कब से नहीं खुला है? अभी कहा खुल जाए, कहूँ खुलो नहीं खुलो बंद। आप लोग क्या चाहते हैं? स्कूल में मोहिमोला हम होते हैं स्कूल में, उनकी बमत है हमसे करके तुम कहा बवा दी। करीब कितने दिन से नहीं खुला होगा आंगनबाड़ी? कब से नहीं खुला तो कब से बंद रहा। झांसी के ग्राम भदरवाड़ा में हाईवे पर खेत की रखवाली करने जा रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति की अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं बता दें कि पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को ले गई है, और साथ ही बता दें कि मऊरानीपुर तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम भदरवाड़ा निवासी चतु भुज देर शाम अपनी खेत में रखवाली करके घर से निकल रहा था, और इसी दौरान झांसी खुजराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंचने के बाद ही अज्ञात वाहन ने वहां उसे टक्कर मार दी, जिसके कारण उसे गंभीर रूप से वह पहले घायल हो गया। इसके बाद से किसी तरीके से उसे अस्पताल ले जाया गया और जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पड़ोसी उम्र क्या होगी लगभग? उम्र 65 से 70 वर्ष की लगभग। 65 से 70 वर्ष जी। तो स्पॉट पे ही खत्म हो गए थे कि अस्पताल में? हाँ, स्पॉट पे नहीं, वो मऊरानी को लेके आ रहे थे। हाँ। रस्ते में। अच्छा, इलाज के लिए लेके आए थे सर। लखनऊ में एक बार फिर से मंडल आयुक्त ने नगर आयुक्त को पत्र लिखा है, जिसमें मंडल आयुक्त रोशन जैकब ने टेंडर से जवाब मांगा है, साथ ही सड़क की मरम्मत के लिए टेंडर निकालने के निर्देश भी दिए हैं। शादी समारोह में डीजे बजाने से नाराज मौलवी ने निकाह पढ़ने से इनकार कर दिया है। बता दें तो दूल्हा दुल्हन के पक्ष के लोगों ने मौलवी के घर में धावा बोल दिया, और साथ ही जमकर लाठी डंडों से मौलवी के परिवारजनों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। वही बता दें कि मारपीट में कई महिला समेत लोग घायल हुए हैं, और साथ ही उन्हें CHC में भर्ती कराया गया। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित घायल मौलवी के परिवार वालों ने थाने में तहरीर दे दी है। डॉक्टर साहब, कोई मारपीट की घटना आई है, कितने लोग घायल हैं? रसूलपुर लंगा के हैं, लगभग 5 से 6 लोग घायल हैं जी, जिनमें प्राइमरी ट्रीटमेंट लेकर मेडिकल लीगल केस किया जा रहा है। उनसे एक को बिजनौर भेज दिया गया, बाकी भी ट्रायल चल रहा है। 108 के द्वारा भी 112 के द्वारा 4 पेशेंट लाए गए थे। डीजे बजा था, डीजे बजने के बाद मैंने थोड़ी सख्ती इसलिए करी थी ताकि लोग आगे नसीहत करें, आगे ना करें ऐसा गलत काम, कोई कदम ना उठाएं, सही नहीं है मसला ईमान वाले के लिए ये बात, मैंने इसलिए मना कर दिया था। फिर उसके बाद कुछ टाइम रहा, ये कहने लगे फरमुद्दीन भाई गए और कई सारे लोग गए, कारी आरिफ गए और कई सारे लोग गए, वो जा कहने लगे चलो कपड़ा, मैं चला गया, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मामला ये हुआ, हमने डीजे बजा लिया था, शादी थी परसों चचेरे भैया की, उसमें नाम आ गया हमारे भैया का चचेरे का, अनिल लाया डीजे, हमने अपने भैया को समझा दिया, उसके पैसे दिलवा दिए, वापसी कर दिए। मौलाना ने यूँ कह दिया कि डीजे नहीं बजने का है, मौलाना हमको तिड़ गए, हमने अपने भैया को समझा लिया कि भैया कोई बात ना, वो मौलाना वो भी अपनी जगह सही कह रहे हैं।
बिजनौर निवासी जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ के तैनात महिला कांस्टेबल की सड़क हादसे में उस वक्त मौत हो गई जब वे सरकारी कार्य से गढ़ पुलिस क्षेत्र अधिकारी कार्यालय अपने साथी पुलिसकर्मी के साथ बाइक पर जा रही थी। इसी दौरान चांदपुर पुलिस कोतवाली पर ग्राम मिर्जापुर बेला जनपद बिजनौर निवासी ललू सिंह की बेटी कुमारी निश जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ में तैनात थी और वे अपने साथी पुलिसकर्मी के साथ बाइक पर बता दें कि गढ़ मुक्तेश्वर पुलिस क्षेत्र अधिकारी कार्यालय सरकारी कार्य के लिए जा रही थी कि रास्ते में ही बाइक की टक्कर हो गई और इस दौरान महिला सिपाही निशु की मौके पर ही मौत हो गई। दिनांक 15 मार्च 2023 को एक बहुत दुखद दुर्घटना हुई। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र की महिला कांस्टेबल निशु और पैरोकार निवृत्त अपने अपने कार्य क्षेत्रों के लिए जा रहे थे जब रास्ते में ट्रैक्टर ट्रोला से भिड़ंत होने के कारण महिला कांस्टेबल की मौके पर ही मृत्यु हो गई और पैरोकार निवृत्त को उपचार हेतु हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। पूरा पुलिस परिवार महिला कांस्टेबल निशु को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जनपद में बुधवार को झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक बच्ची की जान चली गई। वहीं परिजनों ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। पूरा मामला अलीगढ़ के मोहल्ला गुलाब हुसैन निवासी हरिशंकर बेटे भजनलाल का है, जहां पर 2 महीने के बच्ची के पैर में एक छोटी सी फुंसी हो गई थी और इसी दौरान डॉक्टर तिलक सिंह ऑपरेशन करने की बात कहते नजर आते हैं। कई बार ड्रेसिंग होने के बाद भी बच्चे के पैर से ब्लड बंद नहीं हो रहा था। बार बार परिजन क्लिनिक के चक्कर लगा रहे थे, बाद में बच्चे के उपचार के दौरान मौत हो जाती है। परिजन मृत बच्चे को अलीगढ़ लेकर गए और इस दौरान मृतक के पिता ने डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। साथ ही तहरीर के बाद भी पुलिस ने अभियोग दर्ज कर बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया है। क्या घटना हुई? तुम डॉक्टर किन अलीगंज पे आए हो? मैं सवेरे से आया था यहाँ पे। हमारे बच्चे थोड़ी सी पैर में फुंसी सी निकली थी, तो फुंसी की वजह से हम डॉक्टर साहब के पास गए थे जी। तो डॉक्टर साहब को हमने वो फुंसी दिखाई जी। तो डॉक्टर साहब ने उसे चेक करा दवा के, हमने डॉक्टर साहब से पूछा ये डॉक्टर साहब सही हो जाए नहीं होगी। डॉक्टर साहब ने कि हमने 19 सही हो जाएगी, इसका ऑपरेशन है। हमने डॉक्टर साहब ऑपरेशन इसका मत करो, ऑपरेशन ये करने काबिल नहीं है, हमने कोई ऐसी दवा दी तो ये बैठ जाए। तो हमने ये बोला डॉक्टर साहब नहीं ऑपरेशन हो जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं। तो हमने अपने पिताजी को पूछ के आपको बताई, हमने अपने पिताजी के पास फ़ोन किया तो पिताजी ने बात करी डॉक्टर साहब से, तो डॉक्टर साहब ने ये कही कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद उसने डॉक्टर साहब ने पट्टी करी, पट्टी करने के बाद उसका ब्लड बंद नहीं हुआ। एक बार पट्टी करी, फिर उनने 2 घंटे बाद हमें बुलाया, फिर 2 घंटे बाद पट्टी उसकी करवाई, फिर भी ब्लड बंद नहीं हुआ। फिर 2 घंटे बाद हम 3 घंटे बाद गए, फिर पट्टी कराई। संभल जिले में मजदूरों से भरी बता दें कि DCM अनियंत्रित होकर पलट गई है और साथ ही हादसे में 1 दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। वहीं मजदूर आलू बीन कर वापस अपने घर लौट रहे थे। हादसे के बाद से चारों ओर चीख पुकार मच गई। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार को बहजोई कोतवाली इलाके में चिडौली गाँव के पास ही DCM अनियंत्रित होकर पलट गई। DCM के करीब 1.5 दर्जन से लोग बैठे हुए थे। हादसे के बाद से चारों ओर चीख पुकार मच गई। इसके बाद ही सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने लोगों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकलवाया है। मेरा सर नाम सुशील है, हम त्रातरिंग के रहने वाले हैं। ये पमासी से आगे चिरोली गांव पड़ता है, उधर DCM पलट गई थी, उसमें 18 व्यक्ति थे हम। कितने सर? एक आदमी जी बचा होगा, बाकी सब घायल हैं। अभी लगभग 15 जन तो घायल हैं। आलू का काम करते हैं, आलू बीनते खेतों में, दो पे आलू लेके जाते हैं। संभल जिले के शिव मंदिर पुजारी की बेरहमी से हत्या करने के बाद पुलिस ने 4 घंटे बाद खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त पत्थर और खून से सने हुए हत्या आरोपी के कपड़े भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार पुजारी के बदला लेने के लिए शख्स ने हत्या की है। और आपको बता दें कि चंदौली कोतवाली इलाके के मौलागढ़ स्थित शिव मंदिर के पुजारी रोशन लाल सैनी की मंगलवार देर रात वजनदार वस्तु से सिर पर प्रहार कर हत्या कर दी गई है। योगी सरकार में मंदिर के पुजारी की हत्या की खबर से पुलिस में हड़कंप समझ गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस के द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए
चार घंटे के अंतर्गत राजू पुत्र नन्ने निवासी मिलक मौलागढ़ थाना चंदौसी, इसकी उम्र 30 वर्ष के करीब है, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा घटना में प्रयुक्त जो पत्थर था उसको भी बरामद कराया गया है और घटना करना कबूल किया गया है। इसके अन्य साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है, इसको अब गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इसके द्वारा बताया गया कि ये इसके ऊपर एक बार पुजारी के कहने पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसमें पुजारी के द्वारा शिकायत की गई थी, तो उसका बदला लेने के लिए उसने आज पुजारी को इस तरह से उसकी हत्या की है। इसमें अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम। संभल में पुलिस को वाहन चोरों की गिरफ्तारी में कामयाबी हासिल हुई है। चोरों की बाइकों समेत तमाम चीजें बरामद कर ली गई है और साथ ही चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी चकेश मिश्रा ने पुलिस की बता दें कि गुडवर्क का खुलासा किया है और साथ ही दोनों अपराधी गुड्डू और नोमान को गिरफ्तार कर लिया है। आज थाना हयात नगर की पुलिस के द्वारा दो अपराधियों जिनका नाम गुड्डू सुलेमान, नोमान पुत्र इस्लाम, इन दोनों गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों थाना हजरत नगर गढ़ी के रहने वाले हैं। इनके पास से चार चोरी की बाइक बरामद की गई हैं, जो उन सभी को बरामद करके उनको लिंक किया जा रहा है। इनको गिरफ्तार करते हुए उचित धारा में अभियोग पंजीकृत करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देखना ना भूलें। नमस्कार।